नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में 21 मार्च की हिस्ट्री के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, आज दिन 21 मार्च 1791 को टीपू सुल्तान को पराजित कर अंग्रेज़ों ने बेंगलोर पर कब्जा किया था। दोस्तों, आज दिन 21 मार्च 1804 को नेपोलियन ने फ्रांस की नागरिक संहिता को अपनाया था। दोस्तों, आज दिन 21 मार्च 1836 को कोलकाता में पहले सार्वजनिक पुस्तकालय की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, आज दिन 21 मार्च 1844 को बहाई कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, आज दिन 21 मार्च 1857 को जापान की राजधानी टोक्यो में आए जबरदस्त भूकंप में तकरीबन 1,70,000 लोग मारे गए थे। दोस्तों, आज दिन 21 मार्च 1887 को मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। दोस्तों, आज दिन 21 मार्च 1907 को अमेरिका ने हुंडरस पर हमला किया था। दोस्तों, आज दिन 21 मार्च 1919 को बेला कुन ने हंगेरियन सोवियत रिपब्लिक की स्थापना की थी। दोस्तों, आज दिन 21 मार्च 1935 को फारसी भाषा वाले देश फारस का नाम बदलकर ईरान किया गया था। दोस्तों, आज दिन 21 मार्च 1958 को सोवियत संघ ने वायुमंडलीय परमाणु परीक्षण किया था। दोस्तों, आज दिन 21 मार्च 1971 को भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने अपना पहला टेस्ट शतक लगाया था। दोस्तों, आज दिन 21 मार्च 1975 को राष्ट्रपति फारूक दीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी के अनुरोध पर आपातकाल की घोषणा की थी। दोस्तों, आज के दिन 21 मार्च 1975 को इथियोपिया में 3,000 साल बाद राजतंत्र समाप्त हुआ था। दोस्तों, आज दिन 21 मार्च 1979 को मिस्र की संसद ने इजराइल के साथ शांति संधि पर सहमति जताई थी। दोस्तों, आज के दिन 21 मार्च 2000 को ताइवान की संसद ने चीन के साथ सीधे तौर पर व्यापार और परिवहन पर पिछले 50 सालों से चले आ रहे प्रतिबंध को समाप्त किया था। दोस्तों, आज के दिन 21 मार्च 2000 को गिरिजा प्रसाद कोईराला नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। दोस्तों, आज के दिन 21 मार्च 2006 को रूस और चीन ने रक्षा व ऊर्जा के क्षेत्र में 3 बड़े समझौते किए थे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।